हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आपका भाई एकदम फिट फाट ज़बरदस्त बिंदास। और दोस्तों आज है 14 अगस्त, तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और आज संडे का दिन है, 14 अगस्त है, और इस वक्त सुबह के ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं। और आज का जो हमारा प्लान है वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। हमने ज्वाइन किया है यूनिटी बाइकर्स को। अच्छा, अब यूनिटी बाइकर्स में कौन कौन है? यूनिटी बाइकर्स में बहुत सारे बाइकर्स हैं जो टूरिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, मोटो व्लॉगिंग करते हैं, और एक नहीं बहुत सारे। इन्होंने प्लान किया 14 अगस्त की राइड का, आज़ादी राइड का। तो उसके लिए फिर हमने, मतलब मैंने इंक्लूडिंग सारिम और हमारे एक दो दोस्त और नबील और उसके एक दो दोस्त, हम लोगों ने प्लान किया कि यार इनको ज्वाइन करते हैं और 14 अगस्त की राइड इन लोग के साथ करते हैं। तो प्लान ये है कि आज हम लोग जाएंगे सब मिलकर, यूनिटी बाइकर्स के साथ मिलकर। हमारा प्लान है कि थर पॉन्ड एक जगह है तीर्थर में, तो वो मैंने भी नहीं देखी, बस गूगल पे एक्सप्लोर किया था तो जगह तो बहुत अच्छी है। यहाँ से ऑलमोस्ट 50 to 55 किलोमीटर का सफ़र है कराची से, हमारे गुलशन से जो है, तो जो हमारा मीटिंग पॉइंट है वो गुलशन है। तो प्लान ये है कि सबसे पहले हमने सब ने एक जगह जमा होकर नाश्ता करना है, और उसके बाद कुछ थोड़ी ट्रिप की काउंसलिंग होगी, देन फिर हम आगे निकलेंगे। तो देखते हैं, साथ साथ रहिएगा। राइड के बारे में सबको पता ही है, हम कहाँ जा रहे हैं। भैया की राइड है, राइड में जाना है जो भाई है, बाकी तो माशा सीनियर सीनियर लोग नजर आ रहे हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, ठीक है भाई। और बाकी अजीत भाई, आप रूट में गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। रूट यहाँ से हम अभी हाईवे पर करेंगे, ठीक है, आप सीधा निकल के और आगे बकाई वाला मोड़ अगर आप लोगों ने देखा हो, सदो डैम का रास्ता जाता है, उसी रास्ते पे आगे निकलेंगे और आगे से मार्केट वाले रोड करना है, कोशिश करना अगर रास्ता नहीं पता तो पीछे में आगे ना निकले, लीड पे या तो मैं होगा या इधर कोई हमारे में होगा या कोई। ग्रुप एडमिन्स की तरफ से कुछ ज़रूरी हिदायत राइड के बारे में कि कैसे चलना है, कैसे फॉलो करना है, और जो सीनियर्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है, जो नए ज्वाइनर्स हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो अगर उन्हें रास्ता नहीं पता तो वो पीछे रहें। तो इस तरह के कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस जो कि हम सब के पास होने चाहिए वो एडमिन्स ने हमें।
अबे ओए ओए ये देख ये कहां से आया यार, मैं जा रहा हूं इधर को देख के। ये देख ये कौन है या, ये यही रहता है, गांव में से उठ के आ गया। चलो भाई एक और बंदा हमारे ग्रुप का आसिफ, जो के आना चाह रहा था बट आया नहीं था, पता नहीं उसने कैसे ज्वाइन किया। और अब शुरू होगा सही एडवेंचर का सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्ता तो बना है बाइक्स का बट प्रॉपर रास्ता नहीं। अभी हमें पता चला है कि हम लोग गलत आ गए और अब हमें जो है वो वापस मुड़ के जाना है। हाँ पता नहीं क्या, मेरे ख्याल से रास्ते का कोई इशू है अभी। चल जी, काफ़ी देर रास्ते की तलाश होती रही कि कहाँ जाया जाए कहाँ जाया जाए। अब जो है कह रहे हैं कि रास्ता मिल गया, अब ये नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। ये पॉन्ड है, यही जाना है। वो तो उधर सूख गया सारा पॉन्ड। वही जरा सेल्फी लेते हैं, कौन सा पॉन्ड है। तो अब हम लोग आ गए हैं खर पॉन्ड। और ये जो जगह है बेसिकली यहाँ पे पॉन्ड होता है, आगे चल के हम देखेंगे पॉन्ड मिलेगा हमें। और वीडियो शीडियो बन रही है। यहाँ पे हम लोगों ने बाइक खड़ी कर दी है और अब जो है हम लोग आगे वॉकिंग डिस्टेंस से इस तरफ से होते हुए वहाँ चले जाएंगे। वहाँ पे पॉन्ड है, चले देखते हैं। ये यहाँ से रास्ता है इसका जाने का। बाइक्स हमने ऊपर वहाँ पार्क कर दी और अब जो है हम लोग पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पॉन्ड की तरफ जाने के लिए रास्ता हमें कीचड़ वाला ही है सारा। ये है बेसिकली वो जगह जहाँ पे हम इतना लंबा सफ़र करके आए। यस, इधर चलो, इधर चलो, वहाँ नहीं जा सकते, रेंजर्स है। चलो भाई भाई, रुक जा। एक बैग 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 दे, बैग दे। एक बंदा मैं दे दूंगा तुझे, बैग दे। नहीं चला जाऊंगा।
वाली दादा जम मार, छोटा है दादा, बड़ा ही नहीं आ जा यहाँ से। भाई असीद कैसी लगी जगह? यार जगह तो बहुत अच्छी है, बस मतलब ये पानी नहीं है। कराची से इतनी दूर हम आए थे पानी के लिए, तो यहाँ भी पानी नहीं मिला। कराची में मिल गया ना तुम्हें बारिश वाला पानी? कराची में तो पानी पानी हो गया, तो मतलब रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पे सारी स्किन है ना काली हो जाएगी। खैर हो गया, तुम तो बाइक कहाँ पे आई थी? मैं तो शायद आगे जा रहे। चलो भाई आगे चलते हैं। तो भाई ये वो जगह है जिसके लिए इतना सफ़र किया, और जगह तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बट ये है कि इस जगह के लिए आप फोटोग्राफी फिल्मिंग वगैरह के लिए जगह बहुत अच्छी है। रास्ता इसका मुश्किल है, फैमिली के साथ आना थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये पानी जो है बारिश की वजह से काफ़ी गंदा हो गया, वरना ये पानी ऐसा होता था कि बंदा यहाँ पे ना आते। अच्छा भाई अब है वापसी का सफ़र, क्योंकि यहाँ रुकने का ऐसा जब कोई फ़ायदा है नहीं, ना बारिश हो रही है ना पानी है, तो इट्स बेटर टू गो होम। अच्छी जगह थी, बस आया एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रही। आवाज़ें आ रही हैं पैकअप की, क्योंकि अब सबने घर निकलना है, ये रास्ता है यहाँ से चढ़ने का। तो इस तरह जो है हमारा वो दिन इख्तिताम हुआ, सफ़र ख़त्म हुआ, और हर पॉइंट हमने एक्सप्लोर किया, विज़िट किया। रास्ता बहुत इंजॉयबल था, जो रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें सीखीं, रूल्स रेगुलेशन किस तरह से जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके साथ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।